بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا यहाँ पे कुछ छूटा है, पढ़िए क्या है। فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, यही है या और कुछ है वो कंफर्म करना है। فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ना, हाँ। وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ जी, तो रोज़े की बहस शुरू हुई थी इससे पहले वाली आयत में, जिसमें ये बात बताई गई थी कि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि पिछली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था। क्यों फ़र्ज़ किया गया है ये भी बताया गया था कि इंसान के अंदर जो बहुत सारी कमज़ोरियां पाई जाती हैं, बिलखसूस मफाद परस्ती की, गुस्से की, अदमे ज़ब्त की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़ब्ते नफ्स का मलका पैदा किया जाए जो तकवा पैदा होने के ज़रिए हासिल होता है। यहाँ तक बात हुई थी, लेकिन अब उससे मुतालिक कुछ सवाल फौरन ज़हन में खड़े होते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ तो किया गया लेकिन कितना। अब कितना का जवाब सबसे पहले यहाँ दिया गया है, अय्यामम मादूदात। यौम माने दिन होता है, अय्याम माने दिनों, जमा है उसकी, और अदद माने गिनती होता है। अद माने जब वर्ब की शक्ल में हो जाता है या फेल की शक्ल में, तो माने होता है गिनती, गिनना। मादूदात माने जो गिना गया हो, जैसे कत्ल माने कत्ल करना, मक्तूल माने जो कत्ल किया गया हो, तो वैसे ही मादूद माने जो गिना गया हो। तो ऐसे दिन जो गिने हुए हो, अब एक दिन तो हो नहीं सकता इसलिए कि वाहिद नहीं आया है, दो दिन हो नहीं सकता इसलिए कि मुसन्ना नहीं आया है, होगा क्या दो से ज़्यादा, तीन दिन या उससे ज़्यादा जो भी हो। तो गोया बाज़ लोग तर्जमा क्या करते हैं, चंद गिने हुए दिन, चंद गिने हुए दिन में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। अब चंद गिने हुए दिन भी मुभम है, तीन दिन भी हो सकता है, चार दिन भी हो सकता है, एक हफ़्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जान बूझ करके मुभम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि हवाला जो पिछली आयत में है वो पिछली उम्मतों पे रोज़ा फ़र्ज करने का है, तो उन पे रमज़ान की तरह पूरे महीने का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, है ना। और हम पर भी रमज़ान का रोज़ा बाद में फ़र्ज़ हुआ है पूरे महीने का, पहले दिन से तो नहीं था, मक्के के अंदर तो पूरे रमज़ान का रोज़ा नहीं था, मदीने में भी सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ है। तो अब यहाँ जो सूरत हाल थी उस तनाजुर में उसको मुभम रखा गया, अब उस इबहाम का हल क्या है। हल ये है कि हम ये देखेंगे कि जो पिछले आसमानी मज़ाहिब के मानने वाले थे या अल्लाह की हिदायत के मानने वाले थे, जिन्हें आम तौर से अहले किताब कहा जाता है, वो कितना रोज़ा रखते थे, उसके बारे में दो चीज़ें तो क्लियर हैं। एक तो ये कि वो यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे, इसलिए कि वो उनके लिए एक अहम दिन था। उसके अलावा वो क्या कहते हैं, हर महीने के तीन जो अय्याम 20 के रोज़े होते हैं, 13वीं तारीख के, 14वीं तारीख के, 15वीं तारीख के, ये तीन रोज़े रखते थे, ये उमूमन उनका मामूल था। इसके अलावा और भी रोज़े रखते थे जो ऑप्शनल था, इख्तियारी था,
उसी की देखा देखी हमारे यहाँ भी जब तक कि रमज़ान के रोज़े की फर्जियत नहीं हुई थी लोग आशूरा का रोज़ा रखते थे, अय्याम बीस का रोज़ा रखते थे, और जब ख्वाहिश होती थी चाहत होती थी तो भी रोज़ा रखते थे। वो अपने अपने ऑप्शन पे था, इख्तियार पे था। तो उस सूरत हाल की अक्कासी होनी थी, इसलिए वहाँ वो बात बताई गई, चंद गिने हुए दिन। अब हम अपने लिहाज से मुराद पूरा महीना भी ले सकते हैं, इसलिए हमको तो पूरे महीने का मुकल्लब बनाया गया है, लेकिन वो बात आगे बताई गई है। कहाँ बताई गई है? फमन शहदा मिनकुम अश्शहर, पहले बताया गया कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ है, फिर बताया गया कि जो वो महीना यानी रमज़ान का महीना पाए वो उसमें रोज़ा रखे। तो हमारे यहाँ गोया ये चीज़ तय हो गई कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है, और महीना कहा गया तो इसका मतलब पूरे महीने रखना है, चाहे वो 29 दिन का महीना हो चाहे वो 30 दिन का महीना हो। तो जब ये चीज़ तय हो गई तो गोया हमारे लिहाज से उससे अगर हम मुराद लेना भी चाहें तो क्या होगा? पूरे महीने का रोज़ा। वरना सियाक के लिहाज से जो पीछे से तस्करा है उसको मलहूज़ रखेंगे तो 3 दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन का, या जो जो इख्तियारी था उनके लिए। तो एक सवाल तो ये था कि रोज़ा फ़र्ज तो किया गया लेकिन कितना। अब दूसरा सवाल ये था कि रोज़ा अगर फ़र्ज़ किया गया है तो सबको पूरा करना है, नमाज फ़र्ज़ है तो सबको नमाज पढ़नी है, तो वैसे ही रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है तो सबको रोज़ा रखना है। लेकिन अब अगर रोज़े में कोई दुश्वारी हायल हो, रुकावट हो, तो क्या होगा? वो सवाल है ना। तो उसको डिक्लेयर किया गया आगे, फमन कान मिनकुम मरीजन, जो हो तुम में से मरीज यानी बीमार, एक रुकावट बीमारी हो सकती है, या हो अला सफरिन, सफ़र पर, सफ़र चूंकि आज की तरह हवाई जहाज़ और ट्रेन से नहीं होता था, उस वक्त तो पैदल सफ़र होता था, ऊँट से होता था, घोड़े से होता था, गधे से होता था, खच्चर से होता था, तो वो दुश्वार होता था, मुश्किल होता था, ज़्यादा टाइम लगता था, ज़रूरत की चीज़ें हर एक साथ रखना और लेना आसान नहीं था। तो उस परेशानी के तनाजुर में गोया एक ज़हमत तलब अम्र होता था सफ़र, तो उस लिए सफ़र के बारे में भी सवाल पैदा हुआ। घर में हो तो आराम से, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में करना पड़े सफ़र तो बाहर तो आराम से नहीं रह सकते, धूप तपीश लू पता नहीं क्या क्या घेरे रहती है। तो अब उस परेशानी में क्या किया जाए, ये दूसरा सवाल था। अब उस परेशानी में अगर रखेंगे तो गोया अपने आप को जोखिम में डालें, अपने आप को परेशानी में डालें, तो क्या अल्लाह ताला ऐसी परेशानी में डालना चाहता है? अब आगे कहा गया कि नहीं, अगर कोई रुकावट है जिसमें दो अहम रुकावटें ये हो सकती हैं तो क्या है? रोज़ा उस वक्त नहीं रखना है जब आप बीमार हैं, जब आप सफ़र में हैं रोज़ा नहीं रखना है, बदले में आप बाद में रख लीजिए, बदले में आप क्या कर लीजिए? बाद में रख लीजिए। उसी को कहा गया फ़ाइदतुन, बस गिनना है, यानी जितने रोज़े आपने बीमारी में छोड़े हैं या जितने सफ़र में छोड़े हैं वो आप गिन डालिए, मिन अय्यामिन ओखर, दूसरे दिनों में, अय्याम माने दिन, ओखर माने दूसरे, बाद में रख लीजिए, परेशानी का हल निकल आया। अब ये सारा हल आज भी है, आज भी कोई मरीज़ है तो उसके लिए रियायत है, आज भी कोई सफ़र में है तो उसके लिए रियायत है। अब यहाँ पर एक सवाल अलबत्ता है हल तलब, कि अगर कोई बीमार है तो ज़रा सा हाथ कट जाए तो भी बीमार कहलाता है, सर में दर्द हो तो भी बीमार कहलाता है। तो बीमारी की कितनी मकदार काउंट होगी? ज़रा सा भी कुछ हो तो रुख्सत है, है? छोड़ने वाले को सोचना है कि रख,
लेकिन अगर कोई सहूलत पसंद होगा तो आड़ ले करके पूरी छुट्टी हासिल कर लेगा। लेकिन आगे तो दिया कई कदम भी नहीं आगे होता। हाँ तो अगर तो बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है। हाँ तो छोड़ेगा इसलिए कि छूट तो है नहीं। हाँ आगे महीने में इतना रखना तो काम तो आसान हो जाएगा कम से कम ना। गर्मी के मौसम में छोड़ देगा, जाड़े के मौसम में रख लेगा, काम आसान नहीं होगा। जहमत से तो बच जाएगा, जहमत ही से तो लोग बचना चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जब आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो क्या ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं कर सकते? तो ये एक प्रैक्टिकल सवाल है कि बीमार को जो छूट दी गई है, रियायत दी गई है, उसको कैसे तौला जाएगा, कैसे नापा जाएगा, किस मियार पे उसको तय किया जाएगा कि हाँ हम बीमारों में शामिल हैं, हम बीमारों में शामिल नहीं हैं। अब ये ऐसा मसला है उसके लिए कि कुछ दो दो चार की तरह पैमाना नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि बीमारी के ताल्लुक से किसको कितनी तकलीफ़ है हम तौल नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने हर फर्द के अपने ज़मीर पे छोड़ दिया है, वो ख़ुद तय कर ले। उसका ज़मीर कहता है कि नहीं मुझको रोज़ा रखना चाहिए तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ है फिर भी रख ले, और अगर उसका ज़मीर कहता है कि नहीं इस रियायत से फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका मतलब तकलीफ़ ज़्यादा है, फ़ायदा उठा ले। मेयार ये है, लेकिन ये ज़हन में रहना चाहिए कि हम और आप किसी के बारे में कोई दोष नहीं दे सकते, हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों का हाल जानता है। उसको अगर कोई धोखा देगा तो अल्लाह ताला तो पकड़ लेगा कि तुमने चाल चली थी, वाकईतन तुम बीमार नहीं थे, तुम्हारी बीमारी ऐसी नहीं थी कि तुम उसका फ़ायदा उठाते, तो अब बताओ तुमको कितना सवाब दिया जाए, जितना है वो, या तुमने धोखा दिया तो कुछ कट कर दिया जाए, वो सब अल्लाह ताला फ़ैसला कर लेगा। तो एक पहलू इसमें समझने का ये था। इसी तरह दूसरा पहलू ये भी है कि अब सफ़र रुकावट है, लेकिन कितना सफ़र। हम लोग तो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाते हैं, यहाँ से कल्याण जाते हैं तो भी सफ़र है, बम्बई जाते हैं तो भी सफ़र है, यहाँ से गांव जाते हैं तो भी सफ़र है। तो कितना सफ़र करें तो सफ़र काउंट होगा, और कितना करें तो नहीं होगा, वो भी एक सवाल है। क्या जवाब है इसका? हर साल तो रोज़ा रखते हैं, मालूम तो होगा। हाँ जी, अच्छा इसको भी मरीज के ऊपर मामूल कर सकते हैं कि अगर वो समझता है मुसाफिर कितनी भी मसाफत है मैं सुकून से रोज़ा रख सकता हूँ तो रख ले, और उसके समझ में आ रहा है कि नहीं दिक्कत है तकलीफ में आऊँगा। असल में ये भी एक टेक्निकल मसला है, टेक्निकल मसला है, इसलिए इसमें भी कई राय पाई जाती। टेक्निकल मसला क्या है? एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल और सहाबा ने कैसे अमल किया, इसलिए कि प्रैक्टिकल तो उन लोगों ने ही करके पहले दिखाया है ना। तो अब अल्लाह के रसूल ने या सहाबा कराम ने जो प्रैक्टिकल किया है उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें अहादीस के अंदर है, सीरत की किताबों में। तो अब किसी ने एक को पकड़ लिया, किसी ने दूसरे को पकड़ लिया, किसी ने तीसरे को पकड़ लिया, और इस तरह से कई ऑप्शन हो गए, कई राय हो गई, वगैरह वगैरह। मसलन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा सफ़र किया और चार फरसख तक गए। चार फरसख का मतलब होता है 12 चौके 48 मील, है ना। उसको जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर के करीब होता है ना। तो वो उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने चूंकि ऐसा किया था इसलिए इतना लंबा सफ़र हो तो हम रोज़ा तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। एक अमल अल्लाह के रसूल का ये, दूसरा अमल ये है कि
कि निकले तो अल्लाह के रसूल लंबे सफ़र पर, लेकिन 3 ही मील के फासले पे जा कर के क़याम करना पड़ा। लंबा सफ़र होता है तो रुक रुक करके सफ़र होता था पहले, तो अब 3 ही मील के फासले पे आपने क़याम किया, और चूंकि सफ़र शुरू हो चुका था तो उस वक्त आपने रोज़े के मामले में लोगों को छूट दी। अब जब 3 ही मील पे दी तो बाद लोग उसको पकड़ के बैठते हैं कि हम सफ़र पे निकले हैं, चाहे 3 ही मील होता है, हमको रियायत हो गई। ये है, लेकिन है ये कि एक तरफ तो ये है कि रियायत से फ़ायदा उठाना, और एक तरफ ये है कि हमारे ज़मीर का, हमारे दिल का मुतमईन होना कि वाकईतन हमको इसमें कोई तकलीफ़ है या नहीं है ना। तो कहने के लिए कानून की नज़र में तो उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, चाहे 3 वाले पे अमल कर लें, चाहे 80 किलोमीटर वाले पे अमल कर लें, लेकिन अपने दिल और ज़मीर से पूछें कि अल्लाह को खुश करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, और उसने अगर रियायत दी है तो कितनी रियायत हमको उससे लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी तकलीफ़ उठा करके ही अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब तीसरी राय ये भी हो जाती है कि छोड़ दिया जाए लोगों के ज़मीर पर, सफ़र की सूरत हाल पर अपने अपने लिहाज से लोग तय कर लें। कम से कम ये तो उसूली तौर पर तय होगा कि वो अपने मकाम पर नहीं, वहाँ से निकल गया, अपने मकाम पर नहीं है, वहाँ से निकल गया तो गोया मुसाफिर हो गया, मुसाफिर हो गया तो अब सफ़र का हुक्म उस पर लागू हो जाएगा, है ना। अब मुसाफिर कब होता है, कोई अपने घर से निकल जाए, अपनी आबादी से निकल जाए तो मुसाफिर हो गया। तो बाद लोग इस अंदाज से सोचते हैं तो वो कहते हैं कि 1 किलोमीटर भी निकल गया, अपने गाँव से बाहर भी निकल गया तो मुसाफिर है, वो कसर कर सकता है और क्या कहते हैं रोज़ा तोड़ सकता है। इस अंदाज से सोचने वाले लोग भी हैं। बहरहाल हम सिर्फ समझें कि किस अंदाज से लोग सोचते हैं और क्या उसमें मुनासिब हो सकता है, ठीक। अब आगे एक अगली बात बताई जा रही है कि मरीज़ और सफ़र, ये दो दिक्कत हुई, तीसरी दिक्कत भी कोई हो सकती है। तो आगे तीसरी दिक्कत का जिक्र है। अब तीसरी दिक्कत क्या हो सकती है, कोई भी काम करना जवानी में बड़ा आसान होता है, और जवानी ढली बुढ़ापा आया तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मुश्किल होने लगता है, और बहुत ज़्यादा अगर बुढ़ापा आ जाए जिसको हम कहते हैं खुसट बुढ़ापा, तो वहाँ पर कुछ भी करना आसान होता है, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है। अब अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता तो क्या करे, उसके लिए तो वो दरवाज़ा बंद है, इसलिए कि आइंदा बुढ़ापा तो उसका और बढ़ेगा, क्या वो रख पाएगा रोज़ा, नहीं रख पाएगा। तो ऐसे लोग क्या करें, उसके लिए ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है, क्या है, वअललज़ीन युतीकूनहु, उन लोगों पर, युतीकूनहु जो बमुशक्कत, बमुशक्कत उसे कर सकते हों, बमुशक्कत, ताकत के माने तो ताकत होता है, लेकिन ताकत का मतलब ये कि ऐसी ताकत जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकें, अगर बर्दाश्त से बाहर है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ असल में युतीकूनहु का जो मफ़हूम है वो क्या, उन लोगों पर जो उसे बमशक्क़त कर सकें। बूढ़ा बूढ़े लोग कोशिश करें, कभी रख भी लेते हैं कभी नहीं भी रख पाते हैं, बमशक्क़त कर सकें, तो उनको ये छूट दी गई है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मशक्क़त में डाल करके मज़ीद परेशानी में मुब्तला ना हो। हिम्मत करें, रख सकते हैं तो रख लें, और नहीं रख सकते हैं तो बाद में रखने का चांस चूँकि नहीं है इसलिए उसका बदल फ़िदिया दे दें, उसका बदल क्या करें, फ़िदिया दे दें। तो वो लोग जो बमशक्क़त उसे रख सकते हैं वो फ़िदिया दें, और फ़िदिया क्या होगा, 1 मिस्कीन का खाना, 1 मिस्कीन का खाना, यानी जितना वो ख़ुद दिन भर में 3 वक्त में खाते उतना खाना किसी मिस्कीन को खिला दें। अब 30 रोज़े अगर ऐसे हैं तो 300 दिन का खिलाएं, अगर किसी दिन रख लिया तो उस दिन का नहीं खिलाएं, जिस दिन नहीं रखा उस दिन का खिलाएं,
तो ये कहा गया कि वो लोग जो मशक्क़त उसे रख सकते हैं या रोज़े को रख सकते हैं वो फ़िदिया दें अगर चाहें तो, या फ़मन ततव्वा खैरन, फ़मन ततव्वा खैरन, और अगर वो मेहनत करके अच्छा काम करना ही चाहें तो ये उनके लिए बेहतर है। आगे ये भी वजाहत की गई, अन तसूमू खैरुन लकुम, तुम रोज़ा रख लो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम रोज़ा रख लो तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, ये जो कहा गया कि जो ज़्यादा दे दे, ततव्वो माने क्या होता है, नफिलन देना, जो चीज़ लाजिम नहीं है रज़ाकाराना कोई काम करना, तो इतना तो लाजिम किया गया कि रोज़े के बदले में एक मिस्किन को खिलाएं, लेकिन कोई एक मिस्किन के बजाय दो मिस्किन को खिला दे तो वो बेहतर है, तीन को खिला दे बेहतर है, कोई हरज की बात नहीं है। और अगर वो रोज़ा रख ले तो ये भी अच्छा है, इसलिए कि असलन रोज़े का जो मकसूद है वो खिलाने से तो पूरा नहीं हो रहा है, बस एक तरह से तसल्ली हो जा रही है, ये नहीं कर सके तो वो कर लिया। तो ऐसे परेशान लोगों के लिए दोनों दरवाज़े खुले रखे गए, वो कोशिश करके अगर रख सकता है तो रख ले, नहीं रख सकता है तो फ़िदिया दे दे, फ़िदिया तयशुदा है वो तो उतना ही जितना वो ख़ुद खाता पीता है, लेकिन अगर ज़्यादा देता है तो अच्छी बात है। तो इस तरह के लोगों के मसले का हल यूँ हल किया गया। अब इसके अलावा कोई और चौथा भी मजबूर है क्या, चौथी भी कोई रुकावट है आप लोगों के इल्म में? सोचिए, कोई आएगा तो फिर उसे बात कर लेंगे, अभी तो कुरान ने इन तीन की तरफ इशारा किया है। खातून लोगों के लिए है ना, लेकिन उनके लिए भी क्या है, जो उनके साथ मसाइल होते हैं है ना, चाहे वो जचगी के वक्त के मसाइल हो या और दूसरे मसाइल हो, वो सब भी एक तरह से मर्द ही काउंट होते हैं, एक तरह से बीमारी ही काउंट होते हैं, और उसी कंडीशन की वजह से नमाज उनको छूट मिली हुई है, तो रोज़े में भी छूट मिली हुई है, मत रखें रोज़ा बाद में रख ले, वो तो उसी में करीब करीब आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल ने उसकी वजाहत कर दी है। चलिए और कुछ, अब आगे क्या बताया जा रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन है ना, ये रमज़ान का महीना है जिसमें क़ुरान नाज़िल किया गया, यानी रोज़ा जो अब लाजिम किया गया है तुम पर, यानी मौजूद अहले ईमान पर, लाजिम तो उन्हीं पे किया गया था ना, हवाला दिया गया था पिछले लोगों का, उनको अब ये कहा जा रहा है कि वो पिछले लोग तो अय्याम मादूदात रखते थे, लेकिन तुम क्या करोगे, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखोगे, इसलिए कि रमज़ान का अपना एक मकाम है। क्या मकाम है, पहले मकाम बताया गया कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें नाजिल किया गया क़ुरान, क़ुरान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए गोया ये महीना भी उसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ हो गया, मोहतरम हो गया, काबिल-ए-क़द्र हो गया, उसकी क़दरदानी का तकाज़ा है कि उसमें ख़ास एहतमाम हो, अल्लाह से क़ुर्बत का, अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की किताब को पढ़ने का। तो रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया, और क़ुरान के बारे में कुछ बातें बताई गई, हुदल लिन्नास, ये क़ुरान क्या है, लोगों के लिए रहनुमाई की चीज़ है, रहनुमाई करने वाली है, एक बात। दूसरी बात क्या बताई गई कि सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, सिर्फ इतना ही नहीं है, इस रास्ते से जाओ तो क्यों, इस रास्ते से जाना महफूज है, सही है, ये काम करो तो क्यों, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, उसकी दलील भी दी है। उसी को कहा गया बय्यनातिम मिनल हुदा, बय्यना माने क्या होता है, दलील। तो जो हिदायत दी गई, जो रहनुमाई दी गई, उसकी दलील भी दी गई है, उसकी वजह भी बताई गई है, उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताए गए हैं, तो वो है बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि उस हिदायत के
दलाइल दिए गए हैं, वजहें बताई गई हैं। और वल फुरकान, और किसकी वजह बताई गई है? दो चीज़ें जो दुनिया में बहुत मोटी मोटी पाई जाती हैं, सही और गलत। तो सिर्फ ये कह दिया जाता ये सही है ये गलत है, तो इंसानी ज़हन जो अक्लो शऊर रखता है, हर चीज़ को परखने की कोशिश करता है, वो मुतमईन नहीं होता, उसे इत्मीनान नहीं होता। तो उसको इत्मीनान दिलाने के लिए क्या किया गया कि उस हक और बातिल के हवाले से कि ये हक क्यों है उसकी भी दलील दी गई, ये बातिल क्यों है उसकी भी दलील दी गई। इसलिए ये दोनों लफ्ज़ आया है, जो रास्ता बताया गया वो, और जो सही गलत बताया गया, तो सही क्यों सही और गलत क्यों गलत इसकी भी दलील दी गई है। तो इसलिए ये बताया गया कि ये जो कुरान है ये इसी के अंदर ये सारी चीज़ पाई जाती है, अलग से नहीं। जो भी रास्ता बताया गया है उसकी हिकमत, उसकी इल्लत, उसकी दलील भी कुरान के अंदर ही मौजूद है। कुरान में सिर्फ रहनुमाई नहीं है, कहा गया नमाज़ पढ़ो तो वजह भी बताई गई है, आकिम सलाता ले जिक्री बताया गया मेरी याद दहानी के लिए है ना। इन सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज क्या करती है? फहशा से रोकती है, मुनकर से रोकती है, बताया गया। इल्लत भी बताई गई। ज़कात का हुक्म दिया गया तो क्यों? तुम्हारे गरीबों से लिया जाएगा या अमीरों से लिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, गोया सबकी देख रेख होनी चाहिए, सबकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो अब ये उसी तरह ये भी बताया गया कि ये तुमसे ज़कात का मुतालबा किया जा रहा है ताकि माल की मोहब्बत की जो कमज़ोरी तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे उस कमज़ोरी का इलाज हो, तुम्हारा तज़किया नफ्स किया जाए, तुम्हारे नफ्स में जो तरह तरह की ख्वाहिशें मंडलाती रहती हैं उसकी तरफ झुकाव हो जाता है, उसका इलाज किया जाए। तो जो भी हुक्म है सबकी इल्लत मौजूद है, सबकी दलील दिए गए हैं। अब इस वक्त उतनी तफसील का मौका नहीं, सिर्फ इशारा मैंने दिया ताकि समझ जाएं। कहा गया कि ये रमज़ान का महीना चूँकि एक ख़ास अहमियत रखता है, इसलिए तुम पर जो रोज़ा फ़र्ज़ किया जा रहा है वो इसी रमज़ान के महीने में। बस जो रमज़ान का महीना पाए वो क्या करे? रोज़ा रखे। उसी कहा गया जो शहदा हाज़िर हो, हाज़िर हो का मतलब पाए है ना, तुम में से शहर महीना यानी रमज़ान का महीना फल यसुम हो तो वो उसमें रोज़ा रखे, यानी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे। अब यहाँ भी क्लियर कर दिया गया है ना कि जो छूट पिछली उम्मतों को थी वो छूट तुम्हारे लिए भी है। मन काना मरीजन, जो शख्स क्या हो, बीमार हो या सफ़र में हो तो वो गिनती गिन ले दूसरे दिनों में है ना, बाद में रख ले, वो छूट इस उम्मत के लिए भी है। अब आगे और क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये छूट क्यों दी? अल्लाह ताला तुमको परेशान करके खुश होना नहीं चाहता है ना। युरीदुल्लाहु बेकुमुल युस्र, अल्लाह चाहता है तुम्हारे साथ क्या? युस्र आसानी। क्या चाहता है? आसानी। जो काम आसानी से हो कर लो, कहीं परेशानी है तो चलो रियायत है। वला युरीदु बेकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुमको परेशानी में नहीं डालना चाहता। उस्र माने क्या होता है? परेशानी। ये कहने का मतलब क्या निकला कि रोज़ा रखने का काम पहले भी लोग करते थे लेकिन ऐसा ऐसा तरीक़ा अपनाते थे कि खुद अपने आप को परेशानी में डाल लेते थे। बीमार हैं फिर भी रोज़ा रखे जा रहे हैं, सफ़र में हैं फिर भी रोज़ा रखे जा रहे हैं, और बग़ैर इफ्तारी किए हुए लगातार रोज़ा रखे जा रहे हैं, बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखे जा रहे हैं, ये सब बेतदालियाँ करते थे। तो कहा गया कि नहीं, तुमको आसानी से जितना बताया जा रहा है सिखाया जा रहा है उसके लिहाज से रखो, परेशानी मत मोल लो, अल्लाह ताला तुमको परेशान करना नहीं चाहता। अलबत्ता ये ज़रूर चाहता है कि जितने दिन का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है उतना पूरा करो। वाले तुक मिलुल इद्दा, मुकम्मल करो इद्दत यानी मुद्दत। क्यों?
इसलिए कि एक महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया जा रहा है, तो एक महीने की फर्जियत की अपनी एक हिकमत है। एक दिन में वो चीज़ नहीं हासिल होगी जो एक महीने उस तरह करने से हासिल होगी। तो जो ट्रेनिंग है, जो उसकी गर्ज़ो गायत है, वो महीने भर करने ही में पूरी होगी। इसलिए क्या करना है, वो मुद्दत पूरी करनी है। कोई रुकावट आ गई, ठीक है, हम 10 दिन रख सके रोज़ा, 20 दिन रुकावट आ गई, 15 दिन रोज़ा रख सके, 15 दिन रुकावट आ गई, तो बाद में उसको पूरा करें। इसलिए पूरा करेंगे तो रोज़े का पूरा मकसद हासिल होगा, और आधा करेंगे तो आधा ही हासिल होगा। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि नहीं, तुम उसे पूरा करो। उसी को कहा गया वाले तुक मिलुल इद्दा, ताकि तुम उस मुकम्मल करो उस मुद्दत को। और एक ख़ास बात की तरफ और इशारा किया जा रहा है, वाले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तो कब्बिर तकबीर कहना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। क्या करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। किस चीज़ पर, अला मा हदाकुम, उस चीज़ पर जो उसने तुम्हें रहनुमाई दी। यानी क़ुरान भेज करके ज़िंदगी गुजारने का जो सही रास्ता तुमको प्रोवाइड कर दिया, फराहम कर दिया, इस पर तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनो, अल्लाह के बड़कपन का को तस्लीम करो, और उसका चर्चा करो। उसका क्या करो, चर्चा करो। उसी को थोड़ा आगे वाज़े किया, वला अल्लकुम तशकुरून, और शायद कि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। यानी इस नेमत की अहमियत, उसकी अफादियत, उससे जो तुमको हासिल होगा उसको महसूस करके तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बन जाओ। अब एक सवाल और है कि ये जो कहा गया कि अल्लाह की किबरियाई बयान करो या अल्लाह की बड़ाई बयान करो, तो हम लोग रमज़ान में ये कैसे बयान करते हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं, अच्छा कुरान की तिलावत करते हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के असमा और सिफात आए हैं, उसका इजहार हो जाता है। एक बात हुई, और तो वो तो सिर्फ ईद में हो गया। ईद के दिन हम लोग चाँद देखने के बाद तकबीर कहना शुरू करते हैं, ईदगाह जाते हुए पढ़ते हैं और ईदगाह से आते हुए पढ़ते हैं, तो वो तो एक फाइनल मुजाहरा है। और सब्र करते हैं, और सब्र करते हैं, ठीक है। यहाँ सब्र करते हैं ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ तो कहा जा रहा है कि बड़ाई बयान करते हैं। सदका और खैरात करते हैं, चलिए इससे बड़ाई बयान हो जाती है। ये तो अमल हुआ, बयान नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जो खाने पीने से रोकने के लिए बोला है, तो अमल करते तो सब एक साथ। असल चीज़ जो समझने की है वो ये है कि हम क्यों खाने पीने और दूसरी चीज़ों से रुक जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह का हुक्म हम मानते क्यों हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है ना। उसका हुक्म हर हाल में हर कीमत पे मानना है, उससे छुटकारा नहीं, वरना कोई न रो देखने वाला न रोकने टोकने वाला। हम घर में बैठे खाते पीते रहें, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसकी बड़ाई तस्लीम करके हम इस तरह के जायज़ अमल से, उसकी बड़ाई तस्लीम करके इस तरह के जायज़ अमल से रुक जाते हैं, ये असलन अल्लाह की किबरियाई का ऐलान है। और इस चीज़ को सारी दुनिया महसूस करती है, सिर्फ हम महसूस नहीं करते, सिर्फ हमारे पड़ोसी और घर वाले महसूस नहीं करते, सारी दुनिया महसूस करती है कि ये मुसलमान अल्लाह को कितना महान मानते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म है हर कीमत पर करते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, न खाएंगे न पिएंगे न कुछ और करेंगे, जैसे कहा गया है जितना कहा गया उतना ही करेंगे। कहा गया है कि सूरज गुरूब होते खाना शुरू कर दो, खाना शुरू कर दिया। सुबह सादिक से पहले खाना के बाद खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दिया। इतना फॉलो करते हैं अल्लाह को, तो गैर भी इसको महसूस करते हैं, कितने ताबेदार हैं ये अल्लाह के और कितने उसके फरमाबरदार हैं।
तो ये असल है लेतो कब्बरुल्लाह अलामा हदाकुम, उसने जो रहनुमाई दी, उसने जो चाहत का इजहार किया, वो एक मोमिन बंदा पूरा करता है। यह है उसकी किबरियाई। ठीक, अब आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि जब मेरे इतने सारे अहकाम तुमने मान लिए तो मैं भी तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। मैं भी क्या हूँ? जब तुम मेरे लिए हाजिर हो, हर काम कर रहे हो जो मैंने कहा, तो मैं भी तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो अब यहाँ पे एक सवाल के पैराए में बयान किया गया है। क्या बयान किया गया? इज़ा सअलका, जब वो सवाल करें, कौन? मेरे बंदे का आपसे, यानी हुजूर से कहा जा रहा है कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें अन्नी मेरे बारे में। अब क्या सवाल करें मेरे बारे में? कुछ भी सवाल करें। क्या सवाल करें या ना बता, नहीं बताया गया है। सवाल कुछ भी हो सकता है। ए अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, ए अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ए अल्लाह मुझे सही रहनुमाई दे दे, ए अल्लाह मुझे कुरान का फहम दे दे, ए अल्लाह मुझे रोज़ा पूरा करने की तौफीक दे दे। कुछ भी मांग सकता है ना। कब उसको किस चीज़ की जरूरत? ए अल्लाह मुझे सेहत दे दे, पता नहीं क्या क्या ज़रूरत है इंसान की, कुछ भी मांग सकता है। इसलिए उसको मुबहम रखा गया है, कुछ भी मांगे। है ना, मैं करीब हूँ का मतलब मैं हर मांग पूरी करने के लिए हाजिर हूँ, उसकी सलाहियत रखता हूँ, उसकी कुव्वत रखता हूँ, उसकी ताकत रखता हूँ। इसलिए अब मेरे बंदे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब उसने मेरी फरमाबरदारी कर ली तो मैं उसको ज़रूर नवाजूंगा। और नवाजिश का हाल हम लोग जानते हैं, हर इबादत के बारे में डिक्लेयर है, इसका इतना सवाब, इसका इतना सवाब, इसका इतना सवाब। रोज़े के बारे में डिक्लेयर है कितना सवाब? अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए रखा है, मैं जितना चाहूँगा सवाब दूंगा, उसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह ताला ने भी अपनी उस हैसियत का इजहार कर दिया। बंदा अपने आप को पेश कर रहा है तो अल्लाह ने भी अपनी उस हैसियत का इजहार इस तरह कर दिया है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं जितना चाहूँ बदला दूंगा। हदीस के अंदर वाज़े है वो, तो उसी को यहाँ कहा गया। आए हाँ, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब मेरे बंदे तुमसे पूछें मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, पस मैं करीब हूँ, उजीबो दावत दाई, जवाब देता हूँ। दावत दाई पुकार का, पुकारने वाले के, यानी जो जो दुआ करे, जो मुतालबा करे, जो पुकार करके कहे, मैं उस सब की पुकार को लबैक कहने वाला हूँ, पूरा करने वाला हूँ। है ना, इज़ा दान, जब वो पुकारे नी माने मुझे, फल यस्तजीबूली, पस चाहिए कि वो जवाब चाहें। लफ्ज़ी माना क्या है? जवाब चाहें। और मफहूम तर्जुमे के लिहाज से लोग क्या करते हैं? पस चाहिए कि वो मांगें। कौन? बंदे, मोमिन, ली मेरे लिए या मुझसे, बस वो जवाब चाहे मुझसे या मुझसे मांगें। वल यू मेनू भी, और मुझ पर ईमान रखें कि मैं इतनी बड़ी ज़ात हूँ कि उनकी हर मांग को पूरा कर सकता हूँ। जब इस उम्मीद से मांगेंगे तो उनको उनकी उम्मीद पूरी होगी। अल्लाह ताला ने क्या कहा? मैं बंदे के गुमान के पास रहता हूँ, जैसा बंदा चाहता वैसा। अब पहले ही से ये कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा, तो हम खुद ही ढुलमुल यकीन हैं, तो अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आएगा? तो हम तो ये समझ के चलें कि अल्लाह ही हर चीज़ करने वाला है, वो लामुहाला कर सकता है, वो लामुहाला हमारी दुआ को कबूल करके पूरा कर देगा। तो उसी को कहा गया फल युमनी भी, बस चाहिए कि वो मुझ पर ईमान रखें, यकीन रखें कि मैं उनकी दुआ कबूल करके उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। लअल्लहुम यरशुदून, अगर वो ये ईमान ये यकीन रखते हैं तो गोया वो फिर सही रास्ते पे होंगे।
शायद कि वो यरशदून सीधा रास्ता पा जाएं या सीधे रास्ते पर चलें, सीधा रास्ता पा जाएं या सीधे रास्ते पर चलें। अगर उनका उनकी सोच ये है, उनका तर्ज़ अमल ये है, उनका अंदाज़ ये है, तो पूरी तवक्को है कि वो गोया सुधरा हुआ आदमी है। खलीफा राशिद का मतलब क्या होता है? ऐसे खलीफा जो सीधे रास्ते पर चलने वाले थे और लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाने वाले थे। तो वैसे ही जो लोग इस तरह का अप्रोच रखेंगे वो गोया सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं और दूसरों को भी सीधे रास्ते की रहनुमाई कर सकते हैं। असलन उसकी तरफ इशारा है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? हाँ, इतना सब करने के बाद भी हाँ शायद क्यों लग रहा है? हाँ, इतना सब करने के बाद भी शायद क्यों लग रहा है? बिल्कुल सही सवाल। कोई जवाब दे सकता है? अल्लाह ताला तो जानता है। जब अल्लाह ताला जानता है तो वो तो दो टोक डिक्लेयर कर सकता है ना कि तुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला क्यों कह रहा है कि शायद कि? खाली एक अमल नहीं है मतलब, और भी सारे अमल पे पूरा उतरेगा तो कौन? ठीक है, हुकूकुल्ला है तो हुकूकुल्ला पे जो गारंटी है वो तो मिल ही सकती है ना। सीधी बात यह है कि अब तुम नेकी करते ना, अल्लाह ताला जो है वो उसके ऊपर है, मतलब तुम अपना करो, ये मत तुम उसमें वो सोचो कि मैं मतलब सही, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला तुमको शायद भी। अल्लाह ताला की मर्ज़ी बे उसूल अंदाज में नहीं चलती, अल्लाह ताला की सारी मर्ज़ी उसूल के साथ चलती है ना। एक लतीफ इशारा है कि वो मालिकियतपुर होके जैसे एक बड़ा आदमी कोई बादशाह इशारा दे देता है कि तुम ऐसे रहोगे तो उम्मीद है कि तुमको तरक्की मिल जाएगी, तो वो उम्मीद यकीन के तौर पे रहती। बिल्कुल, एक अंदाज समझने का ये भी है जो मुफस्सरीन ने लिखा है, लेकिन एक दूसरा अंदाज और भी है, वो भी मुफस्सरीन ने लिखा है ना। दूसरा अंदाज क्या है? आपको रोज़ा रखने के बारे में जितनी गाइडलाइन दी गई है ना, आपने बाल के धार की तरह 100% उसको फॉलो किया है, इसका आपको यकीन है? कहीं आप कुछ मिस नहीं कर सकते? आपकी तरफ से उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, जाने में या अनजाने में? ये इसका इम्कान है या नहीं? अब इस इम्कान के हवाले से आपको मुतमईन होना चाहिए या कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिक्रमंद होना चाहिए ताकि आइंदा और बेहतर करने की कोशिश करें। तो असलन ये एहसास दिलाने के लिए है कि आपने किया बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं वो 100% एकोरेट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तब तो मिलेगा ही, लाला में तो वो माना मौजूद ही है, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं तो इंसान हूँ, खता और निस्यान का पुतला हूँ, कोई कमी हो सकती है तो उसको भी हमें कंसीडर करके चलना चाहिए और आइंदा अपने हर अमल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम आगे हमें और परफेक्ट होते जाएं। तो ये एहसास दिलाना मकसूद है। तो बाद मुफस्सरीन ये भी लिखते हैं। अब समझ में आया क्यों लाल्लहुम है? तो वो तो हसीन पहलू है ना, कि कोई बादशाह कह दे तो वो गारंटेड ही होता है, हाँ हो जाएगा आपका काम, गोया हो गया। एक पहलू हसीन वो है, उससे उम्मीद दिला दी जाती, अच्छी बात है, लेकिन एक पहलू ये भी है अपने ऊपर नज़र करके। ठीक, अब आगे क्या कहा जा रहा है? उहिल्ल लकुम लैलत लैला तस्यामिर रफसु,
है ना। अब मसला ये है कि बास चीज़ें जो उन्होंने अपने तौर पर ओढ़ ली थी, किसों ने? पिछले मज़ाहिब के मानने वालों ने, है ना, उसकी उसको ही लोग फॉलो करने लगे थे, देखा देखी उसकी वजह से कुछ परेशानियां आ रही थी। तो अब उन परेशानियों का भी इजाला किया जा रहा है, उस दिक्कत का भी। उसमें एक दिक्कत क्या थी कि उनके यहाँ ये रिवाज था, उनके यहाँ ये रिवायत थी कि दिन में रोज़ा रखना तो हर एक के यहाँ रिवायत है, लेकिन रात में खा पी करके अगर सो गए तो गोया उसी वक्त से वो काउंट होने लगता था रोज़ा, है ना। सहरी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उठें, एक तो ये चीज़ उन्होंने जोड़ ली थी। दूसरे ये कि रमज़ान की रातों में भी वो अपनी बीवियों के पास जाना अपने लिए खिलाफ़े शरा समझते थे। अब चूँकि उन्हीं के तौर तरीक़ पे इब्तदाई तौर पे लोग अमल करने लगते थे तो सहाबाए कराम भी उसी पर अमल करने लगे, उनको भी दिक्कत होती थी। अब उस दिक्कत का इजहार कैसे करें? तो अल्लाह ताला ने ख़ुद महसूस किया और उसका हल बता दिया है। क्या बता दिया? उहिल्ला लकुम, तुम्हारे लिए हलाल किया गया। यानी उन्होंने तो एक चीज़ को हराम ठहरा रखा था अपने तौर पर, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? वो हराम नहीं, तुम्हारे लिए हलाल है। अब क्या चीज़ हराम ठहरा रखी थी आगे बता रहे हैं, अर्रफसु इला निसाइकुम, है ना, अपनी औरतों के पास जाना। असल में रफस कहते हैं, एक इंसान जो अपनी बीवी के पास जाता है तो इब्तदाई जो उसके मराहिल होते हैं, कुछ अच्छी गुफ्तगू करना, कुछ और बोसो किनार करना, वो सारी चीज़ें रफस में आती हैं, है ना। असल माना होता है ये। अब जब यहाँ हलाल किया गया तो जाहिर है कि वो इब्तदाई चीज़ है, और इंतहाई चीज़ तो ये है कि बीवी के करीब जाया जाए, उससे जमा किया जाए, उससे मुबाशरत की जाए। तो वो उससे गुरेज करते थे, वो उससे बचते थे, लेकिन अब जिनको ख्वाहिश हो गई तो वो अपने तौर पे कुछ भी भीले बहाने करके इस तरह की हरकत भी कर डालते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनके देखा देखी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए क्या है? अपनी बीवी के करीब जाना, उससे करीब होना, क्या है ये? हलाल किया जा रहा है। हुन्ना लिबासुन लकुम, वो बीवियाँ तुम्हारी क्या हैं? लिबास हैं तुम्हारे लिए, और तुम क्या हो? लिबास हो उनके लिए। बीवी की हैसियत ये है, तुम्हारी जो बशरी कमज़ोरियाँ हैं, जो बशरी तकाज़े हैं, उनको पूरा करना एक नफ्सियाती ज़रूरत है, और इसीलिए तो ये सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है। और इस ज़रूरत को बीवियों के ज़रिए पूरा किया जाए तो दोनों की इज़्ज़त महफूज रहती है, दोनों का वक़ार महफूज रहता है, दोनों एक ख़ास मकसद को पूरा करते हैं। जैसे लिबास हमारे बदन के अयूब को भी ढाकता है, हमें बाहर की नुक्स गलत मुज़िर असरात से भी बचाता है, और साथ ही साथ हमारी सेहत को भी बहाल रखता है। वरना धूप की तमादत भी हमको बीमारी में मुब्तला कर सकती है, ठंडक का असर भी हमको बीमारी में मुब्तला कर सकती है। तो ये सब लिबास के फ़ायदे हैं। उसी तरह मियाँ बीवी भी इस तरह के फ़ायदे एक दूसरे से उठाते हैं। अब अगर किसी गैर के पास जाकर के कोई ज़रूरत पूरी करे, चाहे कोई मर्द या औरत, तो ये चीज़ तो उसके इज़्ज़त और वक़ार को ले डूबती है ना। या इसी तरह ये दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों को सहार के चलते हैं, लेकिन गैर सहारता नहीं, गैर तो उसी को उछाल देता है ना। और उसके आगे ये भी है, ये दोनों जब करीब होते हैं इसके ज़रिए इन दोनों की सेहत बहाल रहती है। अगर ये दोनों करीब ना हो या किसी को छोड़ दिया जाए गैर शादीशुदा, तो वो बीमार हुए बगैर नहीं रहेगा, उसकी बीमारियों की नौयत अलग होती है, लेकिन वो सेहतमंद इंसान नहीं कहलाता। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो लिबास की जो ताबीर है, असलन इन सारे पहलुओं को
समझाने के लिए है कि ये तुम्हारी औरतें जो हैं ये तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, दोनों एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आलिमल्लाहु अन्नकुम, अल्लाह ने जान लिया कि तुम तख्तानूना खयानत करते थे, अनफुसकुम अपने आप से, यानी उस रिवायत को मलहूज़ रखते हुए कभी तो रुके रहते थे और कभी हरकत कर डालते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, ताबा अलैकुम, अल्लाह मेहरबान हो गया है तुम पर, वाफा अनकुम और तुमको बख्श दिया, यानी पहले जो कुछ किया है वो सब क्या माफ़, और आइंदा के लिए तुमको छूट और इजाज़त। उसी का जा फल आन, अब बाशिरू हुन्ना, उनके करीब जाओ और क्या करो, वबतगु, और चाहो, मा कतबल्लाहु, जो अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने क्या लिख दिया है भाई, बीवी के पास जाओ और क्या करो, चाहो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो बीवी के पास क्या लिखा हुआ है जो हमारे लिए है, हाँ औलाद लिखी हुई है, बस शादी की ज़िंदगी से सुकून नहीं मिलता, तो वो भी तो हो सकता है मुराद। और क्या होता है, और क्या होता है, हाँ क्या मुकद्दर, अच्छा तो इसको और ज़रा खोलिए। तकदीर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक लंबी फहरिस्त है, कोई मिसाल, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। असल में है ये कि सियाक के लिहाज से तो औलाद ही सबसे बेहतर मफहूम है ना, लेकिन बीवी के पास जाने का फ़ायदा सिर्फ औलाद मिलना ही नहीं है, सुकून हासिल होना है तो सुकून भी हो सकता है, लज्जत हासिल होना है लज्जत भी हो सकता है, और जो जो चीज़ हासिल होती है, खिदमत है तो खिदमत भी होता है, हो सकता है, लेकिन जिस सियाक में है उसके लिहाज से औलाद का मफहूम ज़्यादा काबिल तरजीह है। और आगे क्या कहा गया, वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, वो लोग खाते भी नहीं थे पीते भी नहीं थे, उसकी भी इजाज़त दे दी गई कि सुबह सादिक से पहले तक खाओ पियो, कोई मसला नहीं, हत्ता यतबैन लकुम, यहाँ तक कि वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए खैतुल अबियज। अब खैत माने होता है धागा और अबियज माने होता है सफ़ेद, यहाँ तक कि सफ़ेद धागा वाज़े हो जाए। अब ये धागा वाज़े होने का मतलब क्या है, स्याही जब सफ़ेदी के करीब आ जाए, अच्छा आगे और भी लिखा हुआ, मिनल खैतिल अस्वद, धागा काला, यानी काले धागे से सफ़ेद धागा वाज़े हो जाए, महसूस किया जाने लगे, देखा जाने लगे। हाँ सुबह सादिक मुराद है, बिल्कुल सही, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसलिए इसमें बहुत समझाना नहीं है, इसमें बहुत समझाना नहीं। खैत के माने धागा ज़रूर होता है, लेकिन धागे जैसी कोई भी धारीदार चीज़ हो वो मुराद हो सकता है। अब रात के तनाजुर में जब बात होगी तो जाहिर है कि रात में रोशनी फैलती है तो एक ख़ास रुख पे, हम टार्च मारते हैं तो सीधे जाती है रोशनी, इधर उधर कम होती है, वैसे ही सुबह के वक्त में जब रोशनी फैलना शुरू होती है तो जहाँ से वो निकलती है सीधे जाती है, थोड़ा दाएँ बाएँ कम नज़र आती है, वो धार बन जाता है, धारी की तरह हो जाता है, इसलिए कहा गया खैतिल अबियज खैतिल अस्वद। जब वो धार बन जाती है तो दूसरा हिस्सा गोया काला का काला रहता है उसके मुकाबले में,
वरना पहले तो पूरी रात ही काली रहती है, लेकिन वो धार बन गई तो फिर दूसरी धार बनी, तीसरी धार बनी, तो बीच में काली धारी भी हो जाती है। अब इसमें एक तो किस्सा है एक सहाबी का कि उन्होंने तो धागा ही समझा और रात में सोए और देखते रहे, समझ ही में नहीं आया, परेशान हो गए। लेकिन किस्सा आप जानते हैं इसलिए उससे मुझे कोई बहस नहीं करनी। आगे चूंकि वजाहत कर दी गई है मिनल फजरे, यानी ये धारी काली से सफ़ेद वाजे हो जाए फजर वाली, सुबह के वक्त वाली, सुम्मा अतिमु सयाम, तमाम करो या पूरा करो रोज़े को रात तक, मगरिब तक हम लोग रखते हैं रोज़ा। वला तो बाशिरुहुन्ना, अब आगे एक दूसरी हिदायत दे दी गई कि बीवी के करीब ना जाओ जबकि तुम एतकाफ़ में होते हो। कहाँ होते? एतकाफ़ में, मस्जिद के अंदर। तिलका हुदूदुल्लाह, ये सारी हिदायत जो दी जा रही हैं ये अल्लाह की हदें हैं, इसको आप पामाल नहीं होना चाहिए। जितनी रियायत देनी थी दे दी गई। अब जो चीज़ें तय हैं उसको हर कीमत पे फॉलो करना है वरना पकड़े जाओगे। फला तकरबूहा, तिलका हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह के हदूद हैं, पस तुम उसके करीब ना जाओ, यानी उससे दूर रह करके जितना कहा गया है उसको पूरा करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह अल्लाह अपनी आयात क्या करता है लोगों के लिए वाज़ा करता है, लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि वो तकवा इख्तियार करें। अब अपनी आयात वाज़े करता है ये एक बात है समझने की। आयात वाज़े करने मतलब ये कि पहले शरीयतों में जो हुक्म दिया गया था वो भी तो अल्लाह की आयात ही के ज़रिए दिया गया था ना, उसी के लिहाज से वो लोग फॉलो करते थे। लेकिन उसमें कुछ 19-20 उनके लिहाज से था और कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ घटा भी लिया था, तो ज़रूरत थी कि रोज़े के सिलसिले में इस तरह की जितनी बातें हैं उसको क्लियर कर दिया जाए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वो सब क्लियर करके वाज़े तौर पर बता दिया है ताकि आइंदा कोई गुंजलक बात ना रहे, कोई शको शुभा ना रहे, क्लियर कट हम और आप अमल कर सकें। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।